प्रणाम छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कक्षा 9वीं और 10वीं में परीक्षा में कहानी लेखन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कहानी लेखन करने के लिए कैसा प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसा लिखना है, ये इस वीडियो में आज आपको पढ़ना है। पहले प्रश्न कैसा पूछा जाता है देखो। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। कुछ मुद्दे हैं, एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी, काम में जुटना, धीरे धीरे एक एक काम का आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इस मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है और उसको अच्छा से अच्छा शीर्षक भी देना है। तो उत्तर कैसा लिखना है देखो। उत्तर, शीर्षक है अपना हाथ जगन्नाथ, और कहानी लेखन करना है धर्मपुरी में पीने के पानी की समस्या बहुत पुरानी थी। गांव के लोग पीने का पानी 5 किलोमीटर दूर दुर्गापुर से ले आते थे। दुर्गापुर से पानी उन्हें आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें दुर्गापुर वालों के ताने और उल्हाने सुनने पड़ते थे। इससे सभी लोग परेशान थे। एक दिन गांव के सरपंच ने गांव वालों की सभा बुलाई। उसने गांव वालों से पानी की समस्या पर चर्चा की और उनसे इस समस्या को हल करने के लिए अपने सुझाव देने के लिए कहा। सभी लोगों का मत था कि मिलकर श्रमदान करके अपने गांव में पानी जमा करने के लिए अपना तालाब खोदना चाहिए। सभा में श्रमदान से तालाब खोदने का निर्णय हो गया। दूसरे दिन से ही काम शुरू करने की बात तय हुई थी, लेकिन उस दिन तालाब खोदने के लिए एक ही आदमी सामने आया। वे थे गांव के सरपंच। उन्होंने दिन भर कड़ी मेहनत करके एक छोटा गड्ढा खोदकर तैयार कर दिया। यह देखकर धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी श्रमदान के लिए आना शुरू कर दिया। देखते देखते सारा गांव श्रमदान में जुटा गया। फिर तो एक दिन गांव में काफ़ी बड़ा तालाब खोद कर तैयार हो गया। गांव के लोगों का यह उत्साह देखते ही बनता था। खुदाई पूरी हो जाने पर गांव वालों ने तालाब के कंकड़, पत्थर, कीचड़, प्लास्टिक निकालकर बाहर फेंक दिए। अब तालाब अच्छी तरह साफ हो गया था। इस वर्ष काफ़ी अच्छी बरसात हुई। वर्षा ऋतु में गांव का यह तालाब पानी से लबालब भर गया। यह तालाब अब गांव वालों की साल भर तक प्यास बुझाने के तैयार था। गांव वालों की पानी की समस्या खत्म हो गई। सच है अपना हाथ जगन्नाथ। इस तरह से अपने दिए हुए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन का अंक विभाजन कैसा होता है देखो। शीर्षक को एक अंक मिलता है। अच्छा सा अच्छा शीर्षक होना चाहिए। प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति आदि 2 अंक। मुहावरेदार तथा रोचक और शुद्ध भाषा शैली आदि 1 अंक। सीख 1 अंक। उस कहानी लेखन से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए, उसको 1 अंक है। इस तरह से 5 अंक के लिए एक प्रश्न और एक कहानी लेखन परीक्षा में आते हैं। इस तरह से और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए सबको धन्यवाद।